हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब परिवार स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। मैं विजय प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube के ईजी ऑटोमोबाइल चैनल पर। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मेजरिंग टूल्स के बारे में पढ़ा एवं कटिंग टूल्स के फाइल के बारे में कुछ अध्ययन किया। कटिंग टूल्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं हेक्सा को। आज हम जानेंगे हेक्सा के बारे में। दोस्तों, हेक्सा कटिंग टूल्स है। इसके द्वारा सीट, पाइप एवं विभिन्न आकार की धातुएं काटी जाती हैं। धातु को हेक्सा द्वारा काटने की क्रिया को हेक्सोइंग कहते हैं। हेक्सा के दो मुख्य भाग होते हैं, हेक्सा फ्रेम एवं ब्लेड। हेक्सा फ्रेम माइल्ड स्टील की पत्ती व कंड्यूट पाइप से बनाया जाता है। इसके फ्रेम को दोनों तरफ से समकोण पर मोड़ा जाता है। एक तरफ हैंडल तथा दूसरी तरफ स्लाइडिंग स्क्रू लगा होता है। हैंडल के साथ फिक्स्ड स्क्रू लगा होता है और इन दोनों में पिन लगी होती है जिसमें ब्लेड फिट होती है। स्लाइडिंग स्क्रू को कसने के लिए विंग नट लगा होता है। ब्लेड इसी से टाइट होती है। विभिन्न अनुप्रस्थ काट वाली धातुओं को काटने के लिए ब्लेड वाली हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्लॉट एवं जॉब के बाहरी रेखा काटने के लिए भी किया जाता है। हेक्सा फ्रेम को उसके प्रकार एवं उस पर फिक्स की जाने वाली अधिकतम लंबाई को ब्लेड से स्पेसिफाई किया जाता है, जैसे हेक्सा फ्रेम ट्यूबुलर। जितना एडजस्टेबल उसमें होगा उसमें उस अनुसार से ब्लेड फिट होते हैं। हेक्सा फ्रेम के मुख्य भाग इस प्रकार हैं, हैंडल फ्रेम, ट्यूबुलर फ्रेम लंबाई की एडजस्टमेंट के लिए छिद्र के साथ में है, रिटेनिंग पिन, फिक्स्ड ब्लेड होल्डर, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, विंग नट। दोस्तों, हेक्सा ब्लेड का अध्ययन किए बिना हेक्सा का ज्ञान अधूरा रहेगा, इसलिए आइए अब हम अध्ययन करते हैं हेक्सा ब्लेड के बारे में। हेक्सा ब्लेड लो एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील की पतली सकड़ी दांतों वाली पट्टी होती है। याद रखिएगा, हेक्सा ब्लेड किस धातु के बने होते हैं? तो लो एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील, याद रखिएगा अच्छे से, जिसके किनारे पर दो पिन छिद्र होते हैं। इन ब्लेडों का उपयोग फ्रेम के साथ किया जाता है। हेक्सा ब्लेड के महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार हैं, बैक एज, साइड, सेंटर लाइन, पिन होल्स एंड टीथ। हेक्सा ब्लेड भी दो प्रकार के होते हैं, फुल हार्ड ब्लेड एवं फ्लेक्सिबल ब्लेड। दो तरह के ब्लेड होते हैं, याद रखिएगा। फुल हार्ड ब्लेड अर्थात पूर्ण कठोर ब्लेड, इसके बारे में जानते हैं। पूर्ण कठोर ब्लेड के बारे में, ब्लेड की पिनों के मध्य की पूर्ण लंबाई कठोरीकृत की जाती है, या कठोरीकृत का मतलब है हार्डनेस किया जाता है, जिसका उपयोग कठोर धातु जैसे डाई स्टील, टूल स्टील तथा हाई कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। दूसरा है फ्लेक्सिबल ब्लेड, लचीली ब्लेड। लचीली ब्लेड में केवल दांतों को हार्ड किया जाता है। इनके लचीले पल के कारण इनका उपयोग गोलाई वाली जॉब को काटने के लिए किया जाता है। यह ब्लेड पूर्ण कठोर ब्लेड की तुलना में हल्की होती है। ब्लेड की पिच, आइए हम जानते हैं पिच के बारे में। दो निकटवर्ती दांतों के मध्य की दूरी पिच कहलाती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। ब्लेड का वर्गीकरण पिच के आधार पे होता है। ब्लेड तीन तरह के होते हैं, कोर्स ब्लेड, मीडियम ब्लेड एवं फाइन ब्लेड। कोर्स ब्लेड का पिच 1.8 mm होता है, मीडियम ब्लेड का पिच 1.4 mm तथा 1 mm भी होता है, फाइन ब्लेड का पिच 0.8 mm होता है। हेक्सा ब्लेड के द्वारा किसी मेटल को काटते समय ब्लेड उस मेटल में फंसे नहीं,
इसके लिए सेटिंग ऑफ सॉ अर्थात आरी की सेटिंग किया जाता है। आरी के पदार्थों में प्रवेश करते समय फंसने से बचने के लिए एवं स्वतंत्र चारण के लिए आरी की मोटाई से ज़्यादा चौड़ा रखा जाता है। आरी के दांतों को सेट करके ऐसा प्राप्त किया जा सकता है। आरी के दांतों की सेटिंग दो प्रकार से की जा सकती है, जो इस प्रकार हैं, वेव सेटिंग, दूसरा है स्टैगर्ड सेटिंग। आइए दोनों के बारे में जानते हैं। वेव सेटिंग, इस प्रकार के ब्लेड में दांतें वेव के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। स्टैगर्ड सेटिंग अर्थात टेढ़ी मेढ़ी सेटिंग, इस प्रकार के सेटिंग में एक दांत छोड़कर अथवा दांतों के एक ग्रुप को छोड़ते हुए दूसरे दांतों या दूसरे दांत समूह का टेढ़ा कर दिया जाता है। यह क्रम मुक्त कटाई में मदद करता है तथा अच्छी पिच क्लियरेंस का प्रबंध करता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। हेक्सा का यूज करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि हेक्सा ब्लेड के दांतों को आगे की तरफ रखकर ठीक प्रकार से कसना चाहिए। हेक्सा फ्रेम को दाएं हाथ से तथा फ्रेम का अगला हिस्सा बाएं हाथ से पकड़कर यूज करना चाहिए। ब्लेड को आगे ले जाते समय फॉरवर्ड स्ट्रोक दबा देना चाहिए और वापस लाते समय मतलब बैकवर्ड स्ट्रोक में ढीला छोड़ देना चाहिए। हेक्सा को 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट पर ही चलाना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः उपस्थित होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।